वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 30 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। सो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है फीस्ट। अब ये फीस्ट है क्या? रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सो हियर फीस्ट स्टैंड्स फॉर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या है, बहुत डेप्थ में इसका मीनिंग इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ याद करें फुल फॉर्म, सेकेंडली समझें कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसरो मेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी है, जैसे कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, वैसे ही इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है जी। इसके फॉर्मेशन, इसके हेडक्वार्टर्स, इसके चेयरमैन, इसका काम, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ा रखा है। कैसे आपको वीडियो मिलेगी? आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस देखनी होंगी, पूरी प्लेलिस्ट देखनी होगी। वहाँ पे इसरो है, नासा है, आपके स्टैटिक लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आपका इंटरपोल हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स, और भी बहुत सारी स्टैटिक जीके से रिलेटेड चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ाई हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा चलिए, टॉपिक से हम भटक गए। तो इसरो के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं 3 स्पेस सेंटर्स हैं, तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उनके द्वारा फीस्ट लॉन्च किया गया है इंडियन एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड न्यूज अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने रिसेंटली कंडक्ट किया है द फ्लाइट टेस्ट ऑफ व्हाट? फतेह 2। फतेह 2 क्या है? इंडिजिनसली डेवलप्ड, मतलब पाकिस्तान इनके अपने ही कंट्री में बनाया गया एक रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। फतेह 2 इन्होंने रिसेंटली जो है सक्सेसफुली इसकी टेस्टिंग कर ली है। इसी के साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो अक्टूबर 2023 में घौरी वेपन सिस्टम की भी इन्होंने प्रॉपर सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च कर ली है। 2021 में फतेह 1 इन्होंने लॉन्च किया था और फतेह 2 अब 2023 में लॉन्च किया, ठीक है जी। अब इसी के साथ पाकिस्तान का कॉन्टिनेंट तो आपको पता ही है, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल साथ में लगता है, बड़ा डिस्प्यूट रहता है बाउंड्रीज के लिए। दूसरा, ये आपको यहाँ पे इसकी कैपिटल का पता होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाहौर और भी ये है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कराची है, 3-4 ऐसी सिटीज़ है ना जो थोड़ी सी फेमस है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ठीक है। चलिए, थर्ड न्यूज़ की ओर चलें तो छोटा सा पॉइंट है, अयोध्या रेलवे जंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम चेंज किया गया है, अयोध्या धाम रखा गया है। ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जिसका नाम चेंज किया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, आई थिंक हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम चेंज करके अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। चलिए, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। रिसेंटली किसी की डेथ हुई है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कैप्टन विजयकांत पास्ड अवे रिसेंटली, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। कौन थे ये? किसी की भी रिसेंटली डेथ होती है तो उनका फील्ड, किस फील्ड से वो रिलेटेड थे, ऑथर थे, सिंगर थे, एक्टर थे, बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, क्या थे, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है। ये थे DMDK के लीडर, और तमिल सिनेमा एक आइकन थे, मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी थे, ऐसे समझना है। अब ये DMDK क्या है, ये भी पता होना चाहिए। देसिया मोरपुको द्रविड़ा कज़हागम, ये क्या है? इंग्लिश में बोले तो नेशनल प्रोग्रेसिव द्रविड़ियन फेडरेशन के फाउंडर थे, लीडर थे। अच्छा जी, लीडर थे, पर ये है क्या? ये है इंडियन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टी है क्षेत्रीय स्तर की, जिसका नाम है ये, ऑब्वियसली नहीं पता होगा, है ना। तो यहाँ से हम समझ गए, पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टीज होती हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज होती है। स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब हमने पॉलिटी में पढ़ रखा है। अब अगर आपने पॉलिटी की वीडियोस भी नहीं देखी हैं और आपको थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके 2 बार देखिए मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, एक बार इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज में और एक बार पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स के प्लेलिस्ट में। तो आपको थोड़ा सा प्लेलिस्ट चेकआउट करने होंगे, जो ऊपर की जो 30 प्लेलिस्ट के बीच बीच में आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा सा कष्ट करेंगे, स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट इजीली मिल जाएंगी।
इसी के साथ जो कैप्टन विजयकांत थे ये ऑपोजिशन के लीडर भी रह चुके हैं तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में। समझते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सेंटर में होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके स्टेट्स में होते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका स्पीकर भी होता है, आपका डिप्टी स्पीकर भी होता है, आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं, तो वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये रह चुके थे। अब तो इनकी डेथ हो गई है ना। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, फर्स्ट पेज हुआ हमारा कंप्लीट। अब अगर आपको कुछ भी ऐड ऑन करना है नोट्स में, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ मिसिंग है और वो चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। टाइम टू टाइम मैं आपसे जो भी सजेशंस होते हैं मांगती हूँ, ताकि मुझे अगर लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो वो चीज़ मैं ज़रूर इनमें इंप्लीमेंट करूँगी वीडियोज़ में। ठीक है, डेली वीडियोज़ बनती हैं तो कुछ भी नया लाने के लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई सजेशन लगेगा तो मैं ज़रूर उसे इंप्लीमेंट करूँगी। अभी इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियोस के साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि इन नोट्स को पढ़ने का फायदा ही तब है अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है भारत जीपीटी। चैट जीपीटी का पता है एक AI है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट का है, तो वैसा ही है भारत जीपीटी। इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन हुआ है किस किस का, रिलायंस जियो ने कोलैबोरेट किया है IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ। चलिए ये पॉइंट इतना ही। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का, क्या है, अमोनिया गैस लीक इंसिडेंट हुआ है। एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें अमोनिया गैस लीक हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, इन्नौर चेन्नई में हुआ है। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, केमिकल के क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके कह सकते हैं लॉस है ना, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़। मतलब अमोनिया पढ़ने में अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो उसका स्टैटिक पार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, एग्जामिनर जो न्यूज़ वाली चीज़ें हैं उन्हीं में से स्टैटिक पॉइंट डालते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब ये जो अमोनिया गैस लीक इंसिडेंट है, ये एक फर्टिलाइजर बनाने वाला एक यूनिट है वहाँ पे हुआ है। अमोनिया की बात करें, केमिकल फॉर्मूला हमने देख लिया, NH3 है, मतलब नाइट्रोजन एंड तीन यूनिट्स हैं हाइड्रोजन के, उनसे मिलकर बना है, एक पॉइजनस गैस है। ये जो एनएरोबिक डिके होता है, डिके माने जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का वेस्ट होता है उससे ही आती है, बनती है। एनएरोबिक से आपको कुछ याद आ रहा है, तो देखिए हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं रिसेंटली है ना, तो हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी है ना। तो वहाँ पे एरोबिक एनएरोबिक, वहाँ से ये टर्म हमने रिसेंटली दो तीन दिन पहले वीडियो पढ़ी थी, और आज ये करंट अफेयर में वर्ड आपका, ये टर्म आपकी आ गई, तो ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें एयर का यूज नहीं होता है वो होता है एनएरोबिक। चलिए अब हमने ये अमोनिया गैस लीक इंसिडेंट तो देख लिया, बट एक क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम्स में आता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ट्रेजेडी माना जाता है, वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भोपाल नाम की जगह पे एक ट्रेजेडी हुई है, गैस लीक हुई है, वो हमें पढ़ना है। अब देखिए इस पॉइंट को आप सोचेंगे कि ये तो स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसे ध्यान से गौर से अपने नोट्स में ऐड करें। ठीक है, चाहे आप इस पार्ट को अपने स्टैटिक जीके वाली जो नोटबुक है उसमें ऐड कर लें। ठीक है ना, सो भोपाल गैस ट्रेजेडी एक केमिकल एक्सीडेंट था, मतलब केमिकल एक गैस लीक हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, UCIL एक पेस्टिसाइड प्लांट है भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। हेयर UCIL स्टैंड्स फॉर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अच्छा एक चीज़ मुझे एक और याद है, कौन बनेगा करोड़पति शो आता है ना अमिताभ बच्चन का, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब ये जो इंसिडेंट है ये कंसिडर किया जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी विच इज द मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था। कई बार होता है ना हम कुछ शो देखते हैं तो वहां से चीजें दिमाग में रह जाती हैं, तो ये तो मतलब जिस टाइम पे होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसे पढ़नी है कि वो हमेशा हमेशा आपको याद रहे, तो ये वैसा वाला पॉइंट है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा इसके साथ मैंने आपको बताया था गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है, तो वो भी एक ऐसा पॉइंट है कि आपको ऐसा होना चाहिए कि रिवाइज ही नहीं करना है, ऐसे ही दिमाग की अपनी ऐसी मेमोरी में बिठा लो। वैसे ही ये है, इसमें याद क्या करना है, 2-3 दिसंबर 1984, UCIL पेस्टिसाइड प्लांट फुल फॉर्म, और मिथाइल आइसोसाइनेट।
ठीक है जी। चलिए सेवेंथ पॉइंट अपना देखें, तो एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से ये डेटा है। अब डेटा क्या है? डेटा है दैट इंडिया लॉस्ट अ रिकॉर्ड 204 टाइगर्स इन 2023। 2023 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एक दिन बचता है हमारा, फिर खत्म ही है। तो इंडिया ने इस साल 204 टाइगर्स की डेथ देखी है, मतलब इतने टाइगर्स को खो दिया है। अब ये डेटा किसके हिसाब से, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा टाइगर्स की डेथ हुई इसमें क्यों, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, बन सकता है आपका क्वेश्चन। तो ये जो डेटा है ये है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से, इन्होंने एक डेटा कंपाइल किया है, उसके हिसाब से फिगर्स सामने आई हैं, उसके हिसाब से ये। अब यहाँ पे बात करें, ये जो डेथ हुई है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई है, 52 टाइगर्स की डेथ, फिर एमपी में 45, फिर उत्तराखंड में 26। 2022 में जो टाइगर्स की स्ट्रेंथ या टाइगर्स के नंबर ऑफ टाइगर्स जो इंडिया में थे वो थे 3167, ठीक है। इसी के साथ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में है कर्नाटका में। अब अगर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कर्नाटका में है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स कौन से स्टेट में है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि एक बार मैं पहले एनवायरमेंट की, मैंने आई थिंक एक वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था, और इससे पहले भी काफी बार करंट अफेयर्स में हम ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसी के साथ देखिए हमारा सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग वीडियो के साथ में नोट्स बना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं नोट्स बना रहे हैं या नहीं। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो बातें बहुत हो गई, अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का एट्थ पॉइंट है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इनकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि कोई अगर वुमेन किसी फील्ड में आगे आती है तो वो पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड हमारी एक और अपॉइंटमेंट हुई है, तो हम इसी पॉइंट में उसे एड ऑन करके पढ़ेंगे कि डायरेक्टर जनरल कौन बनी है आईटीबीपी के। क्या है आईटीबीपी? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने हैं राहुल रसगोत्रा, नीना सिंह, राहुल रसगोत्रा, दोनों रट लो, ये एग्जाम में मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आएंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सीआरपीएफ क्या है, आईटीबीपी क्या है। तो देखिए ये जो रिजर्व फोर्सेज है ये भी मैंने आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाई है, टोटल 7 है, कौन सी असम राइफल्स है, आपकी आईटीबीपी है, तो वो सारी मैंने वहां पढ़ाई है। किसका क्या काम है, किसकी कब फॉर्मेशन हुई, किसकी क्या मोटो है, किसका क्या टैगलाइन है ना, वो सब पढ़ाया है। यहाँ पे जस्ट हम सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी ही पढ़ेंगे, करंट अफेयर के साथ ही रहेंगे, हम भटकेंगे नहीं टॉपिक से। नाउ सीआरपीएफ जो है क्या काम है, इसका एम क्या है, इसका असिस्टिंग स्टेट्स एंड यूटीज इन पुलिस ऑपरेशंस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। कोई इशू ना हो जाए, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, अपने लॉ सारे रूल्स मेंटेन करने हैं, इंप्लीमेंट करवाने हैं, तो पुलिस का साथ देना जहां भी पुलिस को जरूरत पड़े, चाहे वो किसी स्टेट में हो चाहे वो किसी यूटी में हो, ये काम है सीआरपीएफ का। मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। फॉर्मेशन हुई 1949 में, जो छोटे लेवल के एग्जाम्स होते हैं जैसे क्लरिकल लेवल तक अगर आप बात करें, अगर आप क्लर्क लेवल के एग्जाम्स भी भरते हैं तो वहाँ पे मोटोज जो है ना इनके वो बड़े पूछे जाते हैं, मतलब वहाँ पे स्टैटिक जीके थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है। जितना मैंने अपने स्टेट एग्जाम में एनालाइज किया है तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो मोटो हो गया आपका सर्विस एंड लॉयल्टी, फॉर्मेशन 1949, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। आईटीबीपी की बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बॉर्डर को गार्ड करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने वाली ये फोर्स है, जो इंडिया का तिब्बत के साथ बॉर्डर आता है वहाँ पे जो फोर्स खड़ी होती है दैट इज नोन एज आईटीबीपी। फॉर्मेशन 1962 में हुई थी, मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चलिए ये वाला हमारा थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट हो गया, बट बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, तो डिटेल में देखना है तो स्टैटिक जीके की हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाके देखें। नाउ नाइन्थ पॉइंट हमारा है, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, क्या नाम रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या था। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? जिन्होंने रामायण लिखी थी, ठीक है। व्यास जी ने क्या लिखा था? महाभारत लिखी थी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो ध्यान रखने हैं। नाउ टेंथ पॉइंट हमारा है, जैक्विस डेलोर्स पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थे? यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक समय में, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है।
अब हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर। देखिए, अगर आप यहां तक पहुंचे इट मींस आप बहुत ज्यादा सीरियस है अपनी स्टडीज को लेके, अपने एग्जाम्स को लेके, आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपनी ये जो एक लगन है, डेडिकेशन है, ये कंटिन्यू रखनी है ना अपनी स्टडी। ऐसा नहीं कि चार दिन नोट्स बनाए, फिफ्थ डे नहीं बनाए, या चार दिन बहुत डेडिकेटली पढ़ाई की, 10 घंटे और पांचों दिन पढ़ाई नहीं, तो वो आपकी कंटिन्यूटी खराब होती है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट हमारा है, ये एक्चुअली एक पुराना पॉइंट है, एक दो दिन पहले का पॉइंट है, तो वो हम आज कवर कर रहे हैं। तो ये है कि पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? बीइंग और अकरिंग विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। कोई स्टेट है, हर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हुई है। यूपी गवर्नमेंट ने किया है ये इनिशिएटिव, जो वहां पे आगरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आगरा से मथुरा तक, मतलब बतेश्वर से लेकर गोवर्धन तक ये हेलीकॉप्टर सर्विस चलेगी। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। ये हमारा सेकेंड लास्ट डे है इस मंथ का, इस साल का, उसके बाद लास्ट डे आएगा एंड देन हमारा फिर न्यू ईयर रहेगा। तो चलिए, नया साल आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बट अपने प्रिपरेशन पे आंच नहीं आने देनी है। प्रिपरेशन जैसे चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए, और जोरों शोरों से चले तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।